हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ लॉरियल पेरिस के जेल आईलाइनर का। सो गाइज, मेरे पास है लॉरियल पेरिस न्यू 36H सुपर लाइनर जेल इंटिंजा। और यहाँ पर जो 36H दिया हुआ है, इसका मतलब ये 36 घंटे तक स्टे करता है और ये वाटरप्रूफ है। और ये इसकी आउटर पैकेजिंग है। और मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये अफोर्डेबल नहीं है, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। ये मुझे 800 का मिला है और 800 में आपको 2.8 ग्राम क्वांटिटी मिलेगा। और इसकी सेल्फ लाइफ 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है। तो चलिए अब मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं इसका इस्तेमाल कैसे करती हूँ। तो ये देखिए, ये रहा जेल आईलाइनर जो कि इस कंटेनर में पैक है। और साथ में आपको एक ब्रश भी मिलेगा जिससे कि आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एंड ये डीप ब्लैक है और ये ग्लॉसी है, तो आपको इस ब्रश की हेल्प से इसको लेना है। अगर आप डार्क या फिर लाइट लगाना चाहते हैं तो आप उसी के अकॉर्डिंग लीजिए। और इसको मैं 2 महीने से लगा रही हूँ और ये देखिए कितना कम खर्च हुआ है। तो ये एक्सपेंसिव तो है लेकिन ये काफ़ी टाइम तक चलने वाला है। और मैं इसका इस्तेमाल एज ए काजल भी करती हूँ। एक और चीज़, ये जो है ये ओरिजिनल है और मार्केट में इसका फेक भी मिलता है जो कि काफ़ी सस्ते में मिल जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर सस्ते में मिलेगा तो वो फेक हो सकता है। और ऑनलाइन भी इसका फेक भरा पड़ा हुआ है, तो आप लोग इसको देख के फिर लीजिएगा। और गाइज, आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ये वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, मैं आप लोगों को एक और प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रही हूँ। हम अपने अनवांटेड हेयर को रिमूव करने के लिए कई तरीके अपनाते हैं, जिसमें से एक है हेयर रिमूवल क्रीम के द्वारा अनवांटेड हेयर को रिमूव करना। अगर हम लोकल क्रीम से अनवांटेड हेयर को रिमूव करते हैं तो स्किन काली हो जाती है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बता रही हूँ जो कि नेचुरल है, जिससे कि स्किन काली नहीं होगी। तो ये है एवरटीन का विक्निलाइन हेयर रिमूवल क्रीम, जो कि पूरी तरह से नेचुरल है। इसके इस्तेमाल से स्किन भी काली नहीं पड़ेगी, तो आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका परचेज लिंक मैं शेयर कर दूँगी, आप लोग चेक कर लीजिएगा। थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए।